ब्रिवन, आज है ना हम सीटेट ईवीएस का जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था 2023 का, उसके ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे हम उनको डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो पूछा कि मास क्या होगा एक ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी 24 दी हुई है उन्होंने और वॉल्यूम 6 दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको है ना घनत्व दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, आपसे इसका द्रव्यमान पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब उन्होंने हमसे पूछा है मास, तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 144 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल और हार्ड नहीं होते हैं, ये बस आपको इतना बताना होता है कि जो असर्शन उन्होंने दिया है इसका यही रीज़न है कि नहीं। तो उन्होंने बोला है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो गैस जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है इजिली, यानी कि उसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इसका रीज़न दिया है कि जब हम है ना गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से गैस कंप्रेस हो जाती है। क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और इसका कारण उन्होंने जो दिया है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें है ना ए सही है बट आर गलत है, दोनों सही है पर आर इसका सही रीजन नहीं है। ए जो है वो गलत है पर आर सही है, दोनों सही है और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने है ना गैसेस के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस जो होती है ना, जब उन पर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनको हम कंप्रेस कर पाते हैं, और उसका रीजन भी यही होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स है ना वो दूर 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 घूम रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर लगाओगे तो वो एक दूसरे के बहुत पास चले जाते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो घटता चला जाता है। ठीक है, और वो कंप्रेस हो जाती है, इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी उन्होंने ऐसे दिया है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने और आपको बताने हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट है कि जो मनाली के घर होते हैं उनको है ना लकड़ी से बनाया जाता है और जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है और बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं ये वाले घर, मनाली के घरों की बात हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि मनाली में है ना बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़ पड़ती है। हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट बी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो अगर आपने मनाली हाउसेज वाला हमारा लेक्चर देखा है, ठीक है, मैंने ईवीएस के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं, ईवीएस का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मनाली के जो घर होते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि वो लकड़ी से बनते हैं, ये भी बात सच है कि वो ढालू छत वाले घर होते हैं, लेकिन जो ये वाली बात है कि वो एलिवेटेड बैम्बू पिलर्स पे बनते हैं ये गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है क्योंकि जो असम के घर होते हैं ना उनको हम बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल ठीक है कि मनाली में ना बहुत बारिश पड़ती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, यानी कि जो ए है वो गलत है पर बी जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो सिर्फ देखो एक छोटी सी लाइन उन्होंने बदल दी और आपका जो स्टेटमेंट वन है वो गलत हो गया है। इसलिए आपको है ना अच्छे से पता होना चाहिए सारे हाउसेस के बारे में। अब उन्होंने ना एक मैच दी फॉलोइंग आपको दिया है कि जो क्यूमिन होता है, सैफरन होता है, चिलीज होती है, क्लोव होती है, उनके बारे में उन्होंने चार स्टेटमेंट दिया कि कौन सा किससे मैच करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला अपियर्स लाइक अ नेल, यानी कि एक कील जैसा दिखता है, साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है, येलो इन कलर एंड स्मॉल बट फ्रेग्रेंट। तो आपको पता है हिंदी में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बोल देती, जीरा, केसर, मिर्च और लौंग कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, पीले रंग का है, छोटा है पर खुशबूदार है। तो आप जो आपको पता है जो सैफरन होता है, केसर होता है, उसका येल्लो कलर होता है, तो बी जो है वो 3 से मैच करेगा। आपको पता है जो चिली होती है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, मिर्च जो है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, और अगर आप लौंग को देखोगे ना तो वो नेल जैसी दिखती है ना, और जो जीरा होता है वो छोटा होता है पर उसमें से बहुत खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ए का आंसर है 4, यानी कि जो जीरा होता है वो छोटा होता है पर उसमें से बहुत स्मेल आती है। फिर उसके बाद जो बी है सैफरन है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, और फिर जो सी है हमारा वो क्या होता है, चिलीज जो है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, और क्लोव है वो क्या होता है, नेल जैसा दिख रहा होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोस्टल स्टेट या यूटी का नाम बताना है जो बे ऑफ बंगाल के पास पड़ती है। तो तेलंगाना बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है, केरला पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, कर्नाटका पड़ता है, आपको इनमें से बताना है कि कौन पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल के पास इनमें से जो पड़ता है वो है उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, उड़ीसा। बाद उन्होंने 6 में है ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो तोरांग को हम कुडुक भाषा में जंगल
को कहते हैं, यानी कि तोरांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज, ठीक है। और जो विलेज काउंसिल होती है, पंचायत होती है झारखंड में, वो डिसाइड करती है कि किस फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए लॉटरी सिस्टम से। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो है वो वहाँ के लोग जो है उनको वहाँ रहने का अधिकार देता है, अगर वो 15 साल से वहीं रह रहे थे, ठीक है। जंगल में जो लोग 15 साल से रह रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है। 3/4 पीपल जो है मिजोरम के वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से जो पहला स्टेटमेंट है, तोरांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। कुडुक जो है वो एक कम्युनिटी का नाम भी है, और वो जो भाषा को बोलते हैं उसको भी हम कुडुक कहते हैं, ठीक है। ये झारखंड की एक कम्युनिटी है, और यहाँ पे रॉन्ग वर्ड होता है, उसका मीनिंग फॉरेस्ट ही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि वो लॉटरी से ये निकालते हैं, ये गलत है, ठीक है। फॉरेस्ट में भी है ना, यहाँ पे देखो उन्होंने इस स्टेटमेंट में क्या गलत है, यहाँ पे 15 साल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 25 साल होना चाहिए। और उसके बाद जो इन्होंने बोला कि 3/4 पीपल मिजोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड डी, पर बी और सी क्यों गलत है, क्योंकि वो लॉटरी से ऐसा डिसाइड नहीं कर रहे होते। और दूसरा, ये 15 साल नहीं 25 साल होते हैं। आपको है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया भी है, तो 15 साल नहीं 25 साल, वो यहाँ पे ना 10 साल कर सकते हैं, कभी 35 साल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 साल जो लोग रह रहे होते हैं उनको फॉरेस्ट पे राइट दिया जाता है। उसके बाद है ना उन्होंने पूछा कि फंक्शन क्या होता है, प्लांट की जो स्टेम होती है उसका क्या फंक्शन है। खाना बनाना और खाने को स्टोर करना, पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, पानी को और मिनरल्स को रूट से लेके अदर पार्ट्स तक लेके जाना, ठीक है। ये उन्होंने दिए, मैं रीड कर दे रही हूँ। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो आपको पता है जो स्टेम होती है आपके प्लांट की, वो है ना स्टोर नहीं करती है और खाना बनाती भी नहीं है, कौन करता है काम, पत्तियाँ करती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है, ठीक है। लेकिन पौधे को स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, ये तो स्टेम करती है ना, स्टेम की वजह से ही पौधा सीधा खड़ा रहता है। और रूट से लेके लीव्स तक पानी लेके जाने का काम, खाना लेके जाने का काम भी किसका होता है, स्टेम का ही होता है। तो इसमें जो बी और सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो गलत है। और वो क्यों गलत है, क्योंकि पत्तियां खाना बनाती हैं। के बाद उन्होंने पूछा जो ब्रॉन्ज एलॉय है वो किसको पिघला के बनता है, जिंक और टिन को, एल्यूमिनियम एंड जिंक को, टिन एंड कॉपर को, एंड कॉपर एंड जिंक को। तो हिंदी में जिसे कांसा कहते हैं, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित को पिघलाकर बनाया जाता है, टिन एंड कॉपर होते हैं, उनसे बनता है हमारा ब्रॉन्ज। कांसा बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, टिन एंड कॉपर। उन्होंने ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एलिफेंट्स के बारे में, और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने बोला एक 3 महीने का जो एलिफेंट का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 100 किलो के बराबर होता है, एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 200 किलो से ज़्यादा लीव्स खा जाता है एक दिन में, ठीक है, पत्तियाँ खा जाता है। एलिफेंट जो है वो ज़्यादा आराम नहीं करते, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, और एलिफेंट को है ना मिट्टी से और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है, वयस्क हाथी का एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत है, क्योंकि वो एक दिन में 200 किलो नहीं 100 किलो के आसपास खा लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एलिफेंट ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और एलिफेंट को है ना मिट्टी और पानी से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पता है हमने एक चैप्टर पढ़ा है डे विद नंदू, ठीक है। तो नंदू एक एलिफेंट का नाम होता है, और वहाँ पर मैंने आपको एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारी लाइन्स बताई थी। क्यों? क्योंकि वो उन लाइन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आपको लगता है कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ना डिफिकल्ट है ना बड़ा है, अगर आपने उन स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ा है कि वो ज़्यादा सोते नहीं है, ठीक है। 13 से 14 साल का होने के बाद मेल एलिफेंट जो होता है वो झुंड को छोड़ के चला जाता है, जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है फीमेल वो उनकी लीडर होती है। सारे पॉइंट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी एंड डी। बिहार राज्य के लोगों को निम्नलिखित मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को आरंभ करने में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका मतलब है कि बिहार के जो लोग हैं वो मधुमक्खी पालन करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा होता है, अगस्त टू अक्टूबर, अप्रैल टू जून, अक्टूबर टू दिसंबर, फरवरी टू अप्रैल। तो अगर आपने अनीता एंड द हनी बी करके जो चैप्टर है अगर वो पढ़ा है, तो आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है ना वो बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। और वहाँ पर है ना बहुत सारे लीची के फ्लावर्स उगते हैं जिनके खा के मधुमक्खी इतना टेस्टी शहद बनाती है, और जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर वो पीरियड होता है जब आपको स्टार्ट करनी चाहिए बी कीपिंग का काम, कहाँ पे, बिहार में। उसके बाद उन्होंने बोला राम है ना अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है इवनिंग में, तो कौन सी एनर्जी वो यूज कर रहा है।
साउंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो राम है ना प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा उपयोग करता है? तो आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन है। तो जब आप कोई भी काम, आप बैट पकड़ रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो? साउंड एनर्जी यूज कर रहे हो क्या? नहीं। लाइट एनर्जी यूज कर रहे हो? नहीं। केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हो? नहीं। तो आप है ना अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, मांसपेशियों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो। हिंदी में ये ऑप्शन है, ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो आपको पता है ना हमारे जो हैंड्स होते हैं उनमें मस्कुलर एनर्जी है, तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, मांसपेशियों की ऊर्जा यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक कॉमन वेराइटी है असम में जिसको है ना हम स्टिकी राइस बुलाते हैं, तो कौन सी है वो? पॉन्नी राइस, बॉम्बा राइस, बोरा राइस और आर्बोरिक राइस। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी असम की खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाता है? हमने एक चैप्टर पढ़ा है असम के बारे में, जहाँ पे बिहू सेलिब्रेशंस के बारे में बताया जाता है, वहीं पर उन्होंने इस राइस के बारे में बताया था। तो ये जो राइस होते हैं जो स्टिकी होते हैं, जो आपस में चिपक जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बोरा राइस। तो जो असम में खाए जाने वाले स्टिकी राइस होते हैं वो कौन से होते हैं? बोरा राइस होते हैं। और असम का एक बहुत ही मेन फेस्टिवल होता है बिहू। फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइट एंड साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी, सिर्फ लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो आपको पता है जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट भी मिलती है, रोशनी भी निकल रही होती है और लाइट भी निकल रही होती है। 14th क्वेश्चन जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। देखो आपको ना ये वाली बात भी बहुत ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चन ना हम जल्दीबाजी में इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि हम ये नहीं देखते कि उन्होंने सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो इनमें से ना आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। जो स्नेक्स होते हैं वो अपने शिकार को च्यू कर जाते हैं, पॉइजनस स्नेक के पास फैंग्स होते हैं, दे स्वॉलो देयर फूड होल, वो अपना पूरा का पूरा खाना खा जाते हैं, स्नेक्स हैव शार्प टीथ। हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए कि आपको है ना सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, जहरीलो सांपों के पास डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निकल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो आपको पता है जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि दे हैव फैंग्स, ये बिल्कुल सही है, वो अपने पूरे के पूरे खाने को एक बार में ही अंदर ले लेते हैं, ये भी सही है, और उनके शार्प टीथ होते हैं, ये भी ठीक बात है। ठीक है, लेकिन वो चबाने का इस्तेमाल, लेकिन वो है ना चबाते नहीं है अपने शिकार को, है ना वो चबाते नहीं है, ठीक है, पूरा स्वेलो कर जाते हैं, एक बार में ही अंदर ले जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि वो चबाते हैं ये इनकरेक्ट है, गलत है ये। उसके बाद आता है कि गुजरात के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो ठीक है, तो उन्होंने ना पूछा कि गुजरात से है ना उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है और आंध्र प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है गुजरात से, और जो आंध्र प्रदेश होता है वो साउथ ईस्ट में पड़ता है। इसके लिए ना आपको मैप का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैप की लोकेशन अगर आप जानते होगे ना कि ये चीज़ नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है, उत्तर प्रदेश से ऊपर बैठता है, जो आंध्र प्रदेश है वो इससे थोड़ा नीचे बैठता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। और मैप से है ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी पूछ लेते हैं कि नेबरिंग स्टेट्स बताइए, कभी पूछ लेते हैं कि लोकेशंस बताइए। तो उसके बाद है ना हमारे ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो थे हमारे EVS NCERT से जो पूछे गए थे, अब है हमारे लिए पैडागोजी के क्वेश्चन। आपको पता है ना 15 क्वेश्चन पैडागोजी के भी आते हैं। तो उन्होंने बोला अनीता ने एक यूनिट प्लान की है जिसमें वो कौन सी थीम को पढ़ाने वाली है? फैमिली। तो टाइटल क्या होना चाहिए इस यूनिट प्लान का? फैमिली, रिलेशनशिप, जेंडर, रोल्स, ऑक्यूपेशंस एज सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स, फैमिली, रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, फैमिली, माइग्रेटिंग फैमिलीज, टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। हिंदी में इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। परिवार एक भीतर के परिवार के भीतर संबंध, परिवार घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल एवं संयुक्त। तो आपको पता है इसका जो बेस्ट थीम है वो है, देखो दो सारे थीम हो सकते हैं ना, फैमिली के टाइप न्यूक्लियर और ज्वाइंट होते हैं, माइग्रेटिंग फैमिलीज भी होती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली भी होता है, लेकिन आपको पता है ये एक यूनिट प्लान है, यूनिट में है ना बहुत सारे सब टॉपिक्स रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इसका बेस्ट आंसर है वो है फैमिली, रिलेशनशिप, जेंडर, रोल्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी इन चेंजिंग टाइम। जहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ाओगे, आप है ना ये भी बताओगे कि एक फैमिली में जेंडर रोल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्यवसाय को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब दिखाओगे तो ये बेस्ट आंसर है। ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस।
और मैंने ईवीएस पैडागोजी भी आपकी कंप्लीट करा दी है। उसके बाद है ना उन्होंने पूछा, मिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम्स इन प्राइमरी क्लासेस टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। ठीक है, ईवीएस के वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जो शीतल है वो क्या यूज़ करती है, कहानियाँ और पोएम का इस्तेमाल करती है। सबसे अप्रोप्रिएट लॉजिक क्या है कि वो ऐसा क्यों करती हैं? स्कूल आने से पहले बच्चे उसे सुन पाए, इसलिए बच्चों को उनकी अपनी पोएम्स लिखने के लिए देना, स्टोरीज लिखने के लिए देना, बच्चों को है ना डाइवर्सिटी से अवेयर कराना लैंग्वेज एंड कल्चर की। ठीक है, उसके अलावा लेसन प्लान को मोर इंटरेक्टिव और इंजॉयबल बनाना। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क है। वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब क्या तर्क वो देंगी कि उनकी बात सही लगेगी सबको। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इसे सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है ये पहले से सुना होना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन को अब हम देखते हैं कि क्या ये सही लग रहा है। तो बच्चे अपनी पोएम्स और कहानियाँ खुद लिख सके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप है ना बच्चे को क्रिएटिव होने का चांस दे रहे हो, अपने वर्ड्स में कुछ बातें समझने का, कहने का चांस दे रहे हो। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी पावर बढ़ती है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चों को है ना डाइवर्सिटी लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में समझाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे को पता होना चाहिए कि पोएम्स क्या होती है, छंद क्या होते हैं, रस क्या होता है, ये सारी बातें जब एक बच्चे को पता होता है ना, ठीक है, लिटरेचर क्या होता है। लेकिन अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से हम पढ़ाएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि कहानियाँ क्या होती हैं, पोएम्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, तो ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद डी ऑप्शन को देखते हैं कि वो लेसन प्लान को ज़्यादा इंटरेक्टिव और इन्जॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ना आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो कहती है कि आपको है ना एजुकेशन को है ना बोरिंग बना के बस सिलेबस खत्म करने का एक जरिया नहीं समझना है, आपको है ना क्लास को बहुत ही इंटरेक्टिव रखना है, इंजॉयबल रखना है। बच्चे अगर इंजॉय करेंगे तो वो सीखते बहुत ज़्यादा है ना, अगर आपको एक क्लास को देख के बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अगर उसमें आपको आपके टीचर से बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, आप भी अपने व्यूज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। ठीक है, तो बी सी और डी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। पैडागोजी के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस को पढ़ाना, ईवीएस को नहीं किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी सॉल्व करने के लिए मेन पर्पस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, और इन्जॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाना तो हर जगह काम आता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 5। तो 1 to 5 क्लास तक अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टडिंग साइंस एट द मिडिल लेवल। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो आप जानते हो ईवीएस को पढ़ाने का हमारा सबसे मेन लॉजिक है जो हमारी बाहर की लर्निंग है उसको स्कूल से लिंक करना। आपको पता है ना ईवीएस 4 क्लास वॉल्स में पढ़ा देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उससे ना हम आपकी कम्युनिटी लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आप बाहर सबको लिंक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या मदद कर रहे हैं? हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, बाकी सब इसके ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है, सबसे बड़ा कारण। 19 क्वेश्चन फिर से असर्शन एंड रीजनिंग वाला है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल्स रिलेटिंग टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल, द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए, अभिकथन उन्होंने क्या दिया है? ईवीएस को सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिमाणों को हासिल करने की संभावना होती है। तो आपको पता है ईवीएस में है ना ये सारी स्किल्स हम सीखते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करना सीखे, आइडेंटिफिकेशन सीखे, क्लासिफिकेशन सीखे। अगर मैं उसको अलग अलग टाइप के प्लांट्स दे रही हूँ, लीव्स का साइज दे रही हूँ, तो वो उनको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, अगर मैं उसे इंसेक्ट और बर्ड दे रही हूँ, उनको वो क्लासिफाई कर पाए कि बर्ड एक अलग कैटेगरी होती है, इंसेक्ट एक अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाती हैं ईवीएस में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद है ना
20th क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। तो आप एक ईवीएस की टीचर हो, आपको बच्चे का समेटिव असेसमेंट करना है, तो आप है ना क्वेश्चन पेपर में किस बात पे ध्यान दोगे? लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हिंदी में सुनिए, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस बात पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक कितने हैं, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कितनी कवर हो रही है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, और प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तो आपको पता है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ना लेंथ, टोटल मार्क्स, कंटेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है कितना कंटेंट कवर हो रहा है और क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चेक करना चाह रही हूँ मैं इस इवेल्युएशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन वो ये होता है। ठीक है, लेंथ कितनी है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सब बातें सबसे ज़रूरी बातें नहीं होती है। सबसे ज़्यादा फोकस तो हमारा इस बात पे होना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट इन क्लास इन विच एन एग सिंक्स अ टम्बलर विद वाटर। ठीक है, यानी कि एक अंडे को टम्बलर में पानी भरा हुआ था, उसमें जब टीचर ने डाला तो वो डूब गया। ठीक है, जब लेकिन टीचर ने उसमें नमक डाला तो वो तैरने लगा। ठीक है, तो इसका है ना वो बच्चों ने जो सवाल पूछा है उसका सबसे अच्छा जवाब टीचर क्या दे सकती है? कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। वो अलग अलग अमाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। वो उनको ये बोल दे रही है कि ये वाला इसका जो सही कारण है ना, इस एक्सपेरिमेंट का जो सही कारण है वो बड़ी क्लासेज में आप सीखेंगे। ठीक है, और वो उन बच्चों को बोल रही है कि आप है ना खुद कॉन्क्लूड करिए, एडिंग डिफरेंट आइटम्स टू वाटर, अलग अलग चीज़ें आप पानी में डाल के देखिए, और एग जो है वो इसलिए तैर रहा है क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है उसकी वजह से। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए। एक ईवीएस कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आपको पता है सबसे बेस्ट क्या है? बच्चे की इंक्वायरी तभी खत्म होगी जब वो खुद करके देखेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको बोले कि ठीक है, हमें ना डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट का अमाउंट डाल के देखेंगे और हम चेक करेंगे कि किस में डूब जाता है, किस में तैरता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट्स ईवीएस में। आइडेंटिफाइज डायरेक्शंस ऑफ क्लासरूम, ऑब्जर्व रूल्स इन फ्यू लोकल इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, वॉइसिस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, वॉइसिस ओपिनियन ऑन इशू ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस्ड रिलेटिंग टू सोशल प्रैक्टिस सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। तो थर्ड क्लास के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा सीखने का परिमाण नहीं है? कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियम का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव मुद्दों पर आवाज़ उठाने और समाज के प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो आपको पता है थर्ड क्लास का बच्चा ना बहुत छोटा बच्चा होता है। ठीक है, उससे हम इतनी बड़ी चीज़ें नहीं करना चाहेंगे। उसको हम क्लास में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, उसे बोलेंगे लोकल जो इंडोर आउटडोर गेम्स तुम खेलते हो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, वो भी वो बता देगा। कि उसके बाद है ना हम उसे गुड और बैड टच के बारे में सिखाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो वॉइसिस ओपिनियन ऑन इशू ऑब्जर्व्ड है, ये लर्निंग आउटकम्स होता है बट थोड़ी बड़ी क्लासेस में। थर्ड क्लास के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझता हो। ठीक है, कि ओनरशिप और रिसोर्सेज इन सब के बारे में वो नहीं समझता है अभी, वो छोटा बच्चा है बहुत। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम नहीं है थर्ड क्लास के बच्चे के लिए। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट द ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट टू क्लास 3rd to 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स और डेरोगेटरी एटीट्यूड बेस्ड ऑन द जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। द टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेटेड एंड अपीलिंग टू द स्टूडेंट। पिक्चर्स इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल एंड लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा मानदंड जो है वो उपयुक्त रहेगा? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सहचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पुस्तक में बड़े बड़े चित्र और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। देखो इसमें ना वैसे दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो सकते हो, पहला ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बुक जो है वो कलरफुल भी होनी चाहिए, तो सारे आंसर्स आपको बहुत सही लगेंगे। लेकिन एज अ टीचर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बुक है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए
और उसमें ना कोई भी स्टीरियोटाइप बात नहीं लिखी हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हो कि बच्चा ऐसी बात सीख जाए कि उसको लगे कि ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की किताब हमें ना पिक्चर्स भी चाहिए होती हैं उसमें, है ना। आप बोलोगे कि हाँ सारे बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती है तो यही सबसे अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ये वन ऑफ द क्राइटेरिया होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है उन्होंने, सबसे ज्यादा जरूरी पूछा है उन्होंने। उसके बाद फिर से उन्होंने असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया। उन्होंने बोला प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में ना थीम दी जाती है, टॉपिक्स नहीं दिए जाते हैं। उसका रीजन उन्होंने दिया है कि थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग जो होती है वो बच्चे और स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। हिंदी में इसका मतलब है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों में विषयों के बजाय थीम है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? तो एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आर जो है ना वो इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो 6 थीम में डिवाइड। उसके बाद 25th क्वेश्चन जो है वो है टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन विद अ स्टूडेंट फॉर टीचिंग ईवीएस। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका वो चूज करेगी कम्युनिकेशन करने के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन, फोन कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल्स, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोज, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट एंड फोन कॉल। तो एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, फोन कॉल, तत्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बच्चे हैं ना ईवीएस पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो हम है ना इनके लिए बहुत ब्लॉग्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये सब कुछ नहीं। तो देखो सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गए, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं ना वो सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होते हैं, वो ईमेल के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर वीडियो कॉल हो रही होगी, ऑनलाइन चैट सेशन रखा होगा, फोन कॉल हो रही होगी जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी ना, सामने आप ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन एंड फोन कॉल। उसके बाद है ना उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द थीम ट्रैवल इज लिंक टू रेलवे स्टेशन डिपिक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम्प्लीट द थीम फूड। ठीक है, फार्मर, शॉपकीपर, एग्रीकल्चर फार्म एंड फॉरेस्ट। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? तो यानी कि अगर मैं आपको ट्रैवल बता रही हूँ तो आप कहोगे रेल के थ्रू कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, तो फूड किसके थ्रू दिखाएगा? तो एग्रीकल्चरल फार्म इसका आंसर होगा। 27th क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाते हुए टीचर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो है ना बच्चों को कह रही है कि इलेबरेट कीजिए आंसर को अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो वो कौन सा तरीका यूज कर रही है? ट्रायल एंड एरर, चेनिंग, प्रोबिंग एंड कंडीशनल। हिंदी में सुन लीजिए, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको पता है परीक्षण और रूटीन, चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न एंड कंडीशनिंग। तो आपको पता है हमारे जो बहुत सारे क्लास में पढ़ाने के मेथड्स होते हैं उनमें से एक मेथड होता है कि हम क्लास में पहले जाके है ना कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहे होते हैं जिसका हम चाहते हैं वो जवाब ना अपनी ही भाषा में दे। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोबिंग बुलाते हैं। यानी कि हम ना ऐसा चाहते हैं कि बच्चा है ना खुद से थोड़ा दिमाग लगाए, खुद से थोड़ा सोचे, तो इस चीज़ को हम क्या कहलाते हैं? प्रोबिंग कहते हैं। उसके बाद 28th क्वेश्चन है, यू वॉन्ट टू इनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट ऑफ ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी? ड्रॉइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आप है ना बच्चे के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ठीक है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो आप कॉइन्स कलेक्ट करना, ठीक है, मैप रीडिंग करना, ड्राइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये एक्टिविटीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग जो उस बच्चे का चलेगा, हाथ जो सबसे ज़्यादा चलेंगे वो किस में चलेंगे? जब वो एक ईवीएस की किट बना रहा होगा जो मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है उनसे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल। उसके बाद उन्होंने पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ईवीएस में वो किस चीज़ को शो करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट अबाउट लर्निंग। आपको पता है अगर आपने है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट को ध्यान से समझा है, ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको ना आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो फॉरवर्ड आ रहा है, फॉर्मेटिव में भी फॉरवर्ड आता है, तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है
जब है ना आप आकलन इसलिए करते हो कि आप है ना बच्चों में अभी सुधार करना चाहते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया और आप है ना उनको बच्चों को फीडबैक दे रहे हो कि आपसे ना ये गलती हो गई है, इसको आप सही कर लीजिए। तो ईवीएस में रचनात्मक आकलन किस लिए किया जाता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और सीखने के बारे में आकलन। तो एक तो असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और दूसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग मतलब जब जब आप सीख रहे हो तब तब आप सुधार करने की आप में गुंजाइश है, ठीक है। और जो समेटिव होता है वो है ना हमारे टर्म एंड के जो एग्जाम होते हैं, किसी चीज़ के कंप्लीट होने पर जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं समेटिव। और उसमें ना सुधार की इतनी गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो साल खत्म होने पर हो रहा है ना, अब आप क्या सुधार करोगे। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके पास सुधार करने की मौके आपके पास होते हैं, तो इसलिए ए एंड सी जो है वो इसके करेक्ट आंसर्स। के बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है फील्ड ट्रिप्स इज एन इफेक्टिव पैडागॉजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस। रीजन दिया है फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड प्लेसेस। हिंदी में क्वेश्चन को सुन लीजिए। अभिकथन दिया हुआ है ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया हुआ है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों को ये याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो आपको पता है फील्ड ट्रिप जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं आपको है ना ईवीएस पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको फील्ड ट्रिप पे लेके गई, ठीक है, बाहर घुमाने लेके गई, वहाँ पे मैंने आपको चीज़ें, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, क्लासिफिकेशन पावर है, वो सब इंक्रीज होंगे। लेकिन इन्होंने जो ये सेकेंड रीज़न दिया ना कि इसकी वजह से मेमोराइजेशन बढ़ता है, रट्टाफिकेशन बढ़ता है, ये सारी बातें हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। ईवीएस को या किसी भी सब्जेक्ट को हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बच्चा रट ले उस चीज़ को, ठीक है। तो मेमोराइजेशन पे, रोट मेमोराइजेशन पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है, ठीक है। डेफिनेशंस, रोट मेमोराइजेशन, ये सब हमारे लिए नेगेटिव। फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको 2021 का ये पेपर है ईवीएस में, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज देखते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुडुक जो लैंग्वेज है वो कहाँ के लोगों की है, जो कुडुक एक भाषा है ये कहाँ के लोग बोलते हैं, मिजोरम के लोग बोलते हैं, मेघालय, मणिपुर या फिर झारखंड। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें जंगल के बारे में बताया गया है, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है, तो वहाँ उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो कुडुक होते हैं वो एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी कुडुक है और ये लैंग्वेज बोली जाती है कहाँ पे, झारखंड में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवीएस में है ना कुछ कुछ बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, क्लास में ना आपको बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज डील करने पड़ेंगे, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन टॉपिक्स को आप क्लास में कैसे बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करके जिसको आप बाद में डिस्कस करोगे, बच्चों के बीच में डायलॉग्स कंडक्ट करके, एक एग्जीबिशन एग्जीक्यूट करके या फिर लेक्चर ऑर्गेनाइज करके। तो अगर आपने है ना ईवीएस पैडागॉजी का लेक्चर ढंग से देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर जो होता है वो इतना अच्छा मेथड नहीं होता इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेक्चर हम बड़ी क्लासेस में ज़रूर यूज़ करते हैं लेकिन बहुत छोटे बच्चों के लिए लेक्चर इतना अच्छा मेथड नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है कंडक्टिंग डायलॉग्स अमंग चिल्ड्रन। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि एक इंसान है उसने है ना एक ट्रेन को वो चढ़ा, ठीक है, सूरत से केरला जाने के लिए। ये ट्रेन जो है ये 20:45 पर चली और ये केरला पहुंच गई 12:45 पर 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस था वो 2200 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रेन की? आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे आप है ना, फिर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ईवीएस सब्जेक्ट होता है, आपको पता है ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें है ना जो सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो वो कौन से लर्निंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है? एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं हम, ग्लोबल से लोकल की तरफ जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, अननोन टू नोन जाते हैं। तो इनको है ना मैक्सिम्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। पहले ना आप उस चीज़ को देखते हैं ना, कॉन्क्रीट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपके सामने है और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जो इमेजिनेशंस में है, जिसको है ना आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। और ये जो सारे के सारे अदर मैक्सिम्स हैं इनमें हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, लोकल टू ग्लोबल जाते हैं। पहले आप अपने आसपास के सराउंडिंग को जानते हैं, लोकल को जानते हैं, उसके बाद ही तो आप ग्लोबल को जानोगे ना, ठीक है। और नोन टू अननोन जाते हैं, पहले हम आपको वो चीज़ बताते हैं ना जो आपको पता होती है, उसके बाद आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाता है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन, कि एक ऐसी बीमारी के बारे में उन्होंने बताया जिसमें डॉक्टर ने क्या कहा है पेशेंट को, उसने कहा है कि आपको गुड़ खाना है, आपको आंवला खाना है और आपको ना बहुत सारी हरी सब्जियाँ खानी है। तो इस बीमारी में के आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है, एनीमिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड और डेंगू। तो आपको पता होना चाहिए जो गुड़ होता है, आंवला होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है,
वो आपको है ना एनीमिया में खानी होती है, क्योंकि एनीमिया जो होता है उसमें ना आपकी बॉडी में आयरन की बहुत कमी हो जाती है। और आयरन हमें किससे मिलता है? आंवला से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको पता है ना पालक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसका? आयरन का, ठीक है। और जो गुड़ होता है वो भी खून बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसको हम जागरी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना उन्होंने डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में बताया। तो मैंने है ना आपको हाउसेस के बारे में एक चैप्टर कराया था, जिसमें हमने ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैसे कैसे हाउसेज होते हैं, तो आपको है ना मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो मॉलन विलेज असम में जो है वहाँ पर कैसे घर देखने को मिलते हैं, लद्दाख में कैसे घर मिलते हैं, मनाली में कैसे घर मिलते हैं, राजस्थान में कैसे घर मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, 5 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो मॉलन विलेज असम में, आपको पता है असम में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं 3 to 4 मीटर हाइट पे, ठीक है। यानी कि हम बैम्बू पिलर्स खड़े करते हैं और उसके ऊपर हमारा घर बनाया जाता है, ऐसा कहाँ पे होता है? असम में, ठीक है। उसके बाद लद्दाख में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका घर होता है वो पत्थर का बना होता है, उसके ऊपर है ना मड एंड लाइम की कोटिंग करते हैं, और यहाँ पे जो फ्लोर होता है वो वुडन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो छत होती है ना वो स्लैंटिंग नहीं होती, वो फ्लैट रूफ होती है, ठीक है। कहाँ पे होता है ऐसा? लद्दाख में। मनाली में क्या होता है, मनाली में आपके घर है ना स्टोन एंड लकड़ी के बने होते हैं विद स्लैंटिंग रूफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वो जो बर्फ़ होती है वो नीचे गिरती रहती है, ऐसा कहाँ पे होता है? मनाली में। और अगर आप कभी राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपके घर है ना मिट्टी के बने होते हैं, थिक मडी वॉल्स होती है, और उनके ऊपर है ना थॉर्नी बुशेज रखी होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको है ना हमारा हाउसेस के बारे में जो लेक्चर है वो देखना होगा, ठीक है। वहाँ पर हमने बाकी हाउसेस की भी बात की है। तो यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है, शिकारा हाउस बोट। तो शिकारा और हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलती है? उन्होंने यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए से दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कहाँ पे होता है जब आप जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं। तो आपको देखा ना वहाँ पे आप शिकारा में, अगर कभी आप जम्मू कश्मीर गए तो आप शिकारा बोट्स में घूमते हैं वहाँ पे। उसके बाद है ना उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी एज अ ईवीएस टीचर आपको यूज करनी चाहिए, जो वॉल टेल स्टोरीज जो चैप्टर 5 है क्लास का वो बता सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैप्स और पिक्चर्स दिखाने चाहिए, लेक्चर और डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, सर्वे फॉलोड बाय डिसीजन करना चाहिए, और चिल्ड्रन को स्लोगन्स लिखने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आप कौन सी चीज़ें करोगे जिससे आप वॉल्स टेल स्टोरीज चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे, ठीक है, सोचिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सर्वे फॉलोड बाय अ डिसीजन, ठीक है, एंड मैप्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। तो आप है ना जो वॉल टेल स्टोरीज वाला चैप्टर है वो सबसे बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा सकते हो, आप है ना मैप्स दिखाओगे बच्चों को, पिक्चर्स दिखाओगे, ठीक है, और एक सर्वे भी उनसे कंडक्ट करने के लिए कहोगे, ठीक है। स्लोगन्स लिखना, लेक्चर्स एंड डिस्कशन, ये सब है ना हम बहुत बड़ी क्लासेस में करते हैं, ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये 3 to 5 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट हमारी कंट्री का पार्ट है, इसकी जो हाइट है वो 8900 मीटर है। बिछेंद्री पाल वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इसकी पीक पर गई थी, ठीक है। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 23 मई 1994 को यहाँ पर लहराया गया। तो अगर आपने बिछेंद्री पाल के बारे में एक चैप्टर पढ़ा है, माउंटेनियरिंग के बारे में एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। बिछेंद्री पाल वो फर्स्ट वुमेन है जो इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर गई थी, और दुनिया की 5वीं वो मूवमेंट है, ठीक है, मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था। और 23 मई 1:07 पर उन्होंने हमारा देश का झंडा माउंट एवरेस्ट पे फहराया था, ठीक है। और ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको पता है ना नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है, ठीक है, 8900 मीटर। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन का, ठीक है। तो एक डॉक्टर जो है वो इस जगह पे लोकेटेड है, और जो उसका हॉस्पिटल है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, 500 मीटर ईस्ट पे जाता है, ठीक है, फिर वो 400 मीटर साउथ पे जाता है, फिर वो 90 मीटर वेस्ट पे जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है कि जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। उसके बाद उन्होंने 10th क्वेश्चन में पूछा कि एज पर सीसी सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब आप खुद को असेस कर रहे हो, जब आप अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो वो आप कब देखते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी देखते हो ना। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट को दिखाती है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दांडी मार्च जो है गांधी जी ने जो किया था, ठीक है, वो किस ईयर में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च क्यों किया गया था। तो आपको पता है अंग्रेजों ने है ना एक कानून बनाया था, उन्होंने ना सॉल्ट बनाने पे टैक्स लगा दिया था, उन्होंने बोला था कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बनाएगा, और इंडियंस को ना बहुत ही हैवी टैक्स देने पड़ रहे थे नमक को, लेकिन नमक बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सबको चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने उस
नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा की थी, और ये उन्होंने कब की थी, 1930 में। अब उन्होंने ना डेजर्ट ओक प्लांट के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये डेजर्ट ओक प्लांट मिलता कहाँ पे है? डेजर्ट ओक प्लांट है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको है ना करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसकी हाइट जो है वो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसकी जो रूट है वो बहुत ही शैलो होती है, इसकी जो ट्रंक होती है ठीक है उसमें है ना ये पानी स्टोर करता है, और लीव्स की बजाय इसमें कांटे होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो राइट स्टेटमेंट है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है ना अपने ट्रंक में वाटर स्टोर करता है, और जब वहाँ पे ना पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, पतले पतले पाइप इसकी ट्रंक में डालते हैं और ये पानी निकाल के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और डेजर्ट ओक की जो रूट होती है वो बहुत ही डीप जाई रहती है, शैलो रूट नहीं होती है, बहुत ही डीप रूट होती है, बहुत नीचे तक इसकी रूट गई होती है, ठीक है। उसके बाद है ना असेसमेंट में, मतलब ईवीएस में अगर आप किसी का असेसमेंट कर रहे हो तो कौन सा इंडिकेटर इसमें हो सकता है? कॉपरेशन, टेक्स्ट बुक, रिमेंबरिंग एंड पेपर पेंसिल टेस्ट। तो आपको पता है ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको है ना जिसमें हम है ना आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही अवेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो कॉपरेशन पे होता है, ठीक है। किताबों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है इसमें, सिर्फ रट्टा मारना आपका लॉजिक नहीं होता, पेपर पेंसिल टेस्ट आपका टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉपरेशन होगा। ईवीएस के थ्रू हमें ना कॉपरेशन, ठीक है, पीयर लर्निंग ये सब कुछ सिखा रहे होते हैं, ठीक है। आपको टीम वर्किंग, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती है आपको। ये उन्होंने है ना फिर आपको 4 चीज़ों की लिस्ट दी है, और उन्होंने बताया इनमें से कोई एक है ना डिफरेंट है, अजीब है। तो आप बताइए आपको क्या अजीब लग रहा है इनमें से? लेक, स्प्रिंग, पॉन्ड एंड हिल। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि जो लेक होती है उसमें पानी होता है, जो झरना होता है उसमें पानी होता है, जो तालाब होता है उसमें पानी होता है, पहाड़ी में पानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक टीचर है, ईवीएस की टीचर है, उसने क्या किया, बच्चों से है ना एक एक्सपेरिमेंट कराया कि फूड है ना कैसे खराब होता है, फूड कैसे स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से है ना कौन सा एक्सपेरिमेंट इस प्रोसेस, ये प्रोसेस उसमें नहीं है? रिमेम्बरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग। तो आपको पता है उन्होंने पहले ही बोल दिया कि टीचर ने है ना एक्सपेरिमेंट कराया, तो एक्सपेरिमेंटिंग तो इसका पार्ट होगा। फिर ठीक है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई चीज़ की, उसको आपने एनालाइज किया कि मेरे रिजल्ट्स क्या हैं, ये चीज़ क्यों हुई, या जो चीज़ हुई वो क्यों हुई, जो चीज़ नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। और ये सब कुछ आपको कैसे पता चलता है? ऑब्जर्व करके, रीडिंग लेके, तभी तो आपको ये पता चलेगा ना। तो रट्टा मारना हमारा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो रिमेंबरिंग इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होती है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसे एनालाइज करते हो, रीडिंग्स लेते हो, ऑब्जर्व करते हो, तभी तो आप रीडिंग्स ले पाओगे, उन रीडिंग्स को तो आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ईवीएस में जब आप बच्चों को असेस कर रहे हैं तो इनमें से है ना सबसे कम यूज किया जाने वाला मेथड कौन सा है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इलेबोरेटिव क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब वो होता है जिसका आंसर है ना एकदम फिक्स होता है, जिसमें ना बच्चे को कुछ भी ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। वो एकदम रट के रटा रटाया आंसर देगा, जैसे आप किसी से पूछते हो 1 + 2 क्या होता है, तो बोलेगा 3। तो ये एकदम है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है आप किसी को बोल रहे हो 1 + 2 तो 3 होता ही है, और क्या क्या कॉम्बिनेशन 3 हो सकते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना बच्चा अपनी तरफ से आंसर ढूंढे। क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना आप बच्चे को क्रिएटिव होने का चांस देते हो, उसको है ना अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच को इस्तेमाल करने का चांस देते हो। इलेबोरेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना आप उसको एक्सप्लेन करने देते हो कि अपने वर्ड्स में बताओ आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्यों हुई है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही जो होते हैं वो सबसे लीस्ट सूटेड मेथड है असेसमेंट करने का। ये उसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? ओरल टेक्निक पे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे, असाइनमेंट टेक्निक पे, या फिर प्रोजेक्ट टेक्निक पे, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे रिकॉर्ड होता है। तो ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी टीचर आपके बारे में मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना टीचर्स को मेंटेन करने होते हैं, और वो है ना अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्हें बनाती है। जैसे वो क्लास में है ना एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, और क्लास के बाहर भी ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो उसे कोई बात है ना बहुत अजीब लगी, वो जाके उसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखेगी, नोट करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो पूरा मेथड होता है ये किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे बेस्ड होता है। यहाँ पे ना एक एलिफेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और आंसर करना है। तो एक चैप्टर है हमारे ईवीएस में अ डे विद नंदू, ठीक है। नंदू एक एलिफेंट का नाम है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो एलिफेंट जो है वो ग्रुप में रहते हैं जिनको हम झुंड बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलिफेंट होता है उसमें सिर्फ फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स होते हैं, क्या मतलब मेल एलिफेंट्स होते ही नहीं है, तो बच्चे होंगे या फिर फीमेल्स होंगी, ठीक है। हर्ड में ना कितने भी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट्स हो सकते हैं और उनके यंग बंस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मेल एलिफेंट होता है वो हर्ड में ना 4-5 साल तक तो रहता है, उसके बाद वो हर्ड को छोड़ के चला जाता है और मेल एलिफेंट्स के हर्ड को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, जो झुंड होता है उसको हम हर्ड बुलाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि हमारे जो हर्ड होते हैं उसमें ना फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स रहते हैं, क्योंकि जैसे ही एलिफेंट 14 से 15 साल का होता है, 4 से 5 साल का नहीं, 14 से 15 साल का होता है, वो एलिफेंट को छोड़ के
मतलब एलिफेंट के उस झुंड को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला एनी नंबर ऑफ फीमेल हो सकता है, नहीं, ठीक है, 14 से 15 लोग ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों के बारे में कुछ कुछ पूछा है। उन्होंने बोला कि गुजरात के जो लोग हैं वो चपाती खाते हैं दाल के साथ, और वो दाल में है ना मीठा डालते हैं, ठीक है, चीनी डालते हैं। केरला में मोस्टली लोग टपाई का खाते हैं किसी कड़ी के साथ, ठीक है। कश्मीर के लोग जो है वो कोकोनट ऑयल में बनी हुई फिश खाते हैं, और जो गोवा के पीपल है वो मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाते हैं। तो आपने ना अगर फूड वी ईट वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, गुजरात के लोग हैं ना वो मीठी दाल खाते हैं, ठीक है। केरला वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया था बॉयल्ड टपाई का जो है वो केरला में खाया जाता है, लेकिन ये जो बाकी के दोनों स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर में फिश खाई जाती है ना वो मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है, और गोवा में जो फिश खाई जाती है वो कोकोनट ऑयल में, ठीक है। तो उन्होंने ना क्या किया है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो आपको ना क्लियरली पता होना चाहिए, देखो आप फिश पढ़ोगे, ऑयल पढ़ोगे, सब कुछ सोचोगे करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है वो गोवा में मिलता है, ठीक है, ज़्यादा, और कश्मीर के लोग है ना मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाते हैं। तो ये है क्वेश्चन, उन्होंने फूड वी ईट्स बनाया है। उसके बाद है ना उन्होंने बोला कि क्लास 5th में हमने एक चैप्टर पढ़ाया अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो सीड को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, ड्राइड लौकी के अंदर उसको मड से कोट करके उसके अंदर सीड को प्रिजर्व करते हैं। तो उन्होंने ना वहाँ से पूछा कि जो इसमें चैप्टर्स है, ठीक है, ये क्या क्या करते हैं, बच्चे की थिंकिंग को न्यू डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं, बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेमोरी स्किल बढ़ाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो एक तो पहली बात है ये ट्रिगर कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड स्किल नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि आपको पता है ना हमें रोट मेमोराइजेशन को डिस्करेज करना है। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है रट्टू टोटा बनना। हमें है ना बच्चों को है ना रट्टू टोटा नहीं बनाना है, हमें है ना बच्चे अपनी तरफ से बातें समझ पाए। ये नहीं है कि टीचर ने ये आंसर परफेक्ट बता दिया है, वही बस उन्होंने रट लिया है, लेकिन वो जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचे उन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, बस हम क्लास में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहे ना कि डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो पहले दो ऑप्शन सबसे बेस्ट। उसके बाद है ना उन्होंने मैप चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता है आपको ईवीएस में अगर आप पढ़ते हो तो इन्होंने ना गुजरात के नेबरिंग स्टेट पूछा है, तो आपको है ना अपने मैप का आइडिया होना चाहिए। हमें पता है ना इसमें हमें जिग्सॉ पजल्स के थ्रू पढ़ाना है, मैप्स के थ्रू पढ़ाना है, ग्लोब्स के थ्रू पढ़ाना है। तो जो गुजरात के नेबरिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो आपको है ना अपने नेबरिंग स्टेट पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इनमें से जो कौन सा मेथड है ये सबसे अच्छा, मतलब इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स उन्होंने दिए हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट, बच्चे की जो रियल लाइफ में इंसिडेंट होते हैं वो इफेक्टिव रिसोर्स है कि नहीं है, आपको क्या लगता है, कम्युनिटी मेंबर्स इफेक्टिव रिसोर्स है कि नहीं है, क्लास की जो 4 दीवारी है वो इफेक्टिव रिसोर्स है कि नहीं है, और लोकल रिसोर्स का यूज़ करना। तो अगर आपने ईवीएस पैडागोजी को ध्यान से समझा है तो आपको पता है कि रियल लाइफ इंसिडेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और लोकल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ाने में, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ 4 जो सी वाला है, यानी कि एक क्लास की जो 4 दीवारी है वही सबसे लीस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, ये इतना अच्छा मेथड नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी की तीनों चीज़ें हम जरूर इस्तेमाल करेंगे ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है ना मैंने आपको बर्ड्स के बारे में भी कुछ बातें पढ़ाई है, ठीक है, जैसे कि मैना जो है वो क्या करती है, किसी की भी आवाज़ मिमिक कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जो बर्ड स्पीसीज़ है, एक ऐसी बर्ड स्पीसीज है जिसकी आंखें ना उसके सर पे, हेड पे, फ्रंट पे होती है जैसे इंसानों की होती है। आपको पता है ना हमारी जो आईज है वो हमारे हेड के एकदम सामने है, ठीक है, एकदम आंख हमारी फ्रंट में आईज होती है ना, ठीक है। तो ऐसा किसके साथ होता है, टेलर बर्ड के साथ होता है, वीवर बर्ड के साथ होता है, आउल के साथ होता है, इंडियन रॉबिन के साथ होता है। तो ऐसा है ना आउल के साथ होता है, ठीक है। और ये जो बाकी के बर्ड्स हैं, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड, इंडियन रॉबिन, इनके है ना डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट बनाने की कैपेसिटीज़ होती है। हमें पता होना चाहिए कि टेलर बर्ड को टेलर बर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी 2 पत्तियों को है ना ये आपस में इस तरीके से वीव करता है, उसे नेस्ट की तरह यूज़ करता है, ठीक है। वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है, ठीक है। और रॉबिन जो स्टोन्स होते हैं वहाँ पर, सड़क के किनारे जो स्टोन्स होते हैं वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो आपको है ना नेस्ट वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक। प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बच्चे की क्वांटिटेटिव स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, हम उसे स्पेशलाइज स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम उसकी इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेके अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी साइकोमोटर स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन रीज़न ही हमारा ये है कि हम है ना बच्चे को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं उसके इन्वायरमेंटल इशूज़ के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने प्लांट्स, एनिमल्स, कम्युनिटी मेम्बर्स, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रह पाए। उसके बाद है ना ईवीएस सिलेबस में
मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया थीम एंड सब थीम का, तो आपको पता है हमारे ईवीएस का जो है वो 6 थीम होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, तो जो एनिमल एंड प्लांट्स है ये कोई थीम नहीं है कम्बाइंड, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, शेल्टर है, ठीक है। तो आपको है ना थीम वाला टॉपिक जरूर पता होना चाहिए, थीम एंड सब थीम से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद ना उन्होंने पिचर प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम नेपेंथस होता है, उसके बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट है ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स, फ्रॉग और छोटे माइस को भी ट्रैप कर लेता है और उसे खा जाता है, ठीक है। ये प्लांट जो है ये हमारी कंट्री में मिलता ही नहीं है। ये प्लांट जो है ये बहुत ही प्लेजेंट साउंड निकालता है, तभी सारे के सारे एनिमल्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया जाते हैं, यानी कि इतनी सुंदर आवाज़ निकालता है कि सारे एनिमल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी है ना घड़े जैसी शेप है, पिचर जैसी शेप है, और उसका मुंह जो है एक लीफ से कवर्ड है, ठीक है। और जो भी इंसेक्ट इसके मुंह पे बैठता है वो ट्रैप हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपने है ना अगर निपेंथस के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, ये अपनी तरफ इंसेक्ट, फ्रॉग और माइस को अट्रैक्ट करता है। इन्होंने कहा ये हमारी कंट्री में नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है इंडोनेशिया में, ये प्लांट हमारी कंट्री में मेघालय में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ना ये कोई प्लेजेंट साउंड नहीं निकालता है, ये है ना एक स्मेल निकालता है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी स्मेल ये निकालता है, जिसकी वजह से एनिमल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसकी पिचर लाइक शेप होती है। तो इसका जो ए और डी पॉइंट है ये करेक्ट है, बाकी के स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए निपेंथिस प्लांट के बारे में। उसके बाद उन्होंने बोला कि टीचर है ना बहुत बार पोर्टफोलियो यूज़ करती है असेसमेंट करने के लिए। तो पोर्टफोलियो होता क्या है, तो पोर्टफोलियो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की सारी लर्निंग प्रोसेस होती है, चिल्ड्रन को है ना उसके सारे के सारे वर्क डेमोन्स्ट्रेट करने का चांस देता है ये दूसरों को, ठीक है। उसके अलावा इसमें ना सिर्फ अटेंडेंस होती है बच्चे की पूरे, मतलब सिर्फ इसमें बच्चे की सिर्फ अटेंडेंस लिखी होती है, और चिल्ड्रन को ना बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने में ये मदद करता है। जो ए पॉइंट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है उसके सारे रिकॉर्ड्स इसमें होंगे, सारी की सारी बातें उसके अंदर होगी, बच्चे की अटेंडेंस क्या है, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, ये सारी बातें इसमें होती है, ठीक है। बच्चे को ये इनेबल करता है अपना वर्क दूसरों को दिखाना, क्योंकि टीचर है ना उसमें उसके जो स्पेशल अचीवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वर्क होते हैं, उसको भी स्टोर करती है, ठीक है। उन्होंने बोला सिर्फ अटेंडेंस होती है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद है ना बच्चे को ये एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने में मदद करता है, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो बच्चा बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसको रहता है कि टीचर सबको डेमोन्स्ट्रेट करेगी, सबको बताएगी मेरे बारे में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के अंदर हमारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी ईवीएस सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो ईवीएस जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ये एक सिंगल सब्जेक्ट एरिया है, ये कॉन्टेक्चुअल है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया है और चाइल्ड सेंटर्ड है। ये तो बिल्कुल सही है, चाइल्ड सेंटर्ड तो बिल्कुल है, इसमें बच्चे को हम सेंटर में रख के इसे पढ़ाते हैं। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया क्योंकि मैंने आपको बताया ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ना आपको साइंस एंड सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, उसके बदले आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि साइंस एंड सोशल साइंस आप इसी सब्जेक्ट के थ्रू सीख रहे होते हैं, बिल्कुल ये कॉन्टेक्चुअल है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट एरिया बिल्कुल नहीं हुआ ना, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम है ना साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस सब कुछ सीख रहे हैं, तो ये सिंगल सब्जेक्ट एरिया कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है एक ऐसे स्टेट के बारे में पूछा है जहाँ पर है ना अगर आप वहाँ के गार्डन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या उगता हुआ दिखाई देगा, लोगों के गार्डन में तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम एंड ब्लैक पेपर उग रही होगी। तो केरला में ऐसा होगा, मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, वेस्ट बंगाल में ऐसा होगा कि गुजरात में ऐसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए केरला जो है वो अपने मसालों के लिए फेमस है, ठीक है, उसे गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर का जो वेदर है वो मसाले उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मसाले हमें किसके गार्डन में देखने को मिलेंगे, केरला के जो लोग होते हैं उनके गार्डन में बहुत ही आराम से सारे के सारे मसाले उग रहे होते हैं। उसके बाद ईवीएस में उन्होंने बोला कि ईवीएस में ना मीनिंगफुल लर्निंग कौन से तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। बच्चे को हम है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करने की, ठीक है। बच्चे को है ना हम किसी भी सब थीम से पहले क्वेश्चन पूछने को दे रहे हैं, स्टोरीज एंड नैरेटिव्स बता रहे हैं, उसे बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे हैं, ठीक है। और बच्चे को है ना मेमोरी बेस्ड लर्निंग में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देना ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। बच्चे से क्वेश्चन पूछते रहना ये भी बहुत अच्छा तरीका है। स्टोरीज़ एंड नैरेटिव्स बताना, स्टोरीज़ के थ्रू जब भी आप कोई बात सीखते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हो, बचपन में आपको आपके दादा दादी नाना नानी ने जो भी कहानियाँ सुनाई होती है वो आपको याद रहती है, ठीक है। और तो इसलिए सबसे लीस्ट जो सबसे अच्छा मेथड नहीं है वो है मेमोरी बेस्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया ना देखो पैडागोजी को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास है ना रोट मेमोराइजेशन जैसा वर्ड आए, मेमोरी बेस्ड जैसा वर्ड आए, ठीक है, रिमेम्बरिंग, रोट मेमोराइजेशन, ये सारे वर्ड है ना हम नेगेटिव वर्ड कहते हैं इनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें है ना रट्टा बिल्कुल नहीं मरवाना है, हमें है ना सिर्फ रिमेम्बरिंग पे इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। मतलब बच्चे की मेमोरी में बस कोई बात रट जाए हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो, ठीक है।
तो ये थे हमारे 2021 के ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चंस। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।